अज्ञानं तु सुसद्भ्याम निर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञान विरोधी भाव रूपं यत्किंचित् इति वदन्ति अहमयेत्यादि अनुभवात् देवात्म शक्ति सुगुणिर्गूढ़ विचार हो गया था। अब ये प्रश्न उठता है, इन सब जगह एक वचन आपने प्रयोग किया तो एक ही अज्ञान है या अज्ञान अनेक है? आपकी व्याख्या भी अज्ञानम एक वचन है, श्रुति भी देवात्म शक्तिम एक वचन है, तो इसीलिए प्रश्न उठता है। और मायांत प्रकृति विद्या वहां भी एक वचन है, तो फिर अनेक जीववाद में अनेक जीव कैसे यह व्यवस्था बनेगा, बद्ध मुक्ति की व्यवस्था कैसे हो जाएगा? तब सिद्धांत में जवाब दे रहे, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि विप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यद्यपि अज्ञान एक ही है लेकिन समष्टि दृष्टिकोण से एकत्व व्यवहार करता हूं और व्यष्टि दृष्टिकोण से अनगत्वेन व्यवहार किया जाता है। इदम अज्ञानम वस्तुतः एकत्वे भी समष्टि अभिप्रायेण एकम इति व्यवह्रियते और व्यष्टि अभिप्रायेण च अनेकम इति व्यवह्रियते। तथा ही विस्तार समझाएंगे। व्यवहार मात्र से होता है कि श्रुति वृदानक परिषद में स्पष्ट ही है, पुरश्चक्रे द्विपदा पुरश्चक्रे चतुष्पदा पुरस पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत। पहले दो पैर वालों को बनाया, फिर चार पैर वालों को बना दिया और वही पक्षी होकर इस पुर में प्रवेश कर गए। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। प्रजाण्य का ये भी है 2.5.18 और 2.5.19 में वर्णन आता है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा, प्रत्येक रूप के अनुरूप व चैतन्य आत्मा होते गया, तदस्य प्रतिरूपम प्रतिक्षणाय, उसका यह स्वरूप जो अनंत रूप जो बना है केवल उसी के अनुभव करने के लिए। ऋग्वेद में भी है 6.47.18। अतएव स्पष्ट है अनेक जीव के कारण से अनेक ज्ञान मानना, प्रभाव व्यवहार एक अज्ञान मान लेने पर कैसे होगा? तब कहते देखो, हमेशा ही पहली बार बता चुका हूं, तीन वाद हैं हमारे यहाँ, सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद। सृष्टि दृष्टिवाद में अनेक जीववाद है। जागृत काल में आपका स्व से भिन्न अनेक जीव अनुभव में आते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, संबंध के अनुसार व्यवहार हो जाते हैं। लेकिन स्वप्न में जो कुछ भी आप देखते हो सब कुछ आपके अधीन ही है, इसलिए आपके जगते ही वो सब आपके साथ साथ वो मिट जाएंगे। अपने चाह स्वप्न से बाहर आना, प्राण कर्म भोग क्षय हो गया स्वप्न का, आप सुषुप्ति में चले गए या जागृत में लौट आते हैं तो स्वप्न के सकल पदार्थ मिट जाता है। वो दृष्टि सृष्टिवाद है, माने आप ही सब कुछ हुए, जड़ चेतन जो कुछ भी था। उस अवस्था में प्राप्त साधक जो चिंतक होता है उसके लिए का एक जीववाद है, एक ही आप है जो अनंत बन गए। और अजातवाद में न जीव है, न बंधन है, न मोक्ष है, न कुछ नहीं, समाप्त हो जाता। इसलिए समष्टि व्यष्टि भेष समझना ज्यादा सृष्टि दृष्टिवाद का दृष्टिकोण से समष्टि एक है और व्यष्टि अनेक है। किस प्रकार से होता है समष्टि व्यष्टि का एक आने का भेद पूर्वक व्यवहार? कहते सुनो, दृष्टांत समझ लो, यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्वम। जैसे वृक्ष है, अनेकों वृक्ष है, लेकिन वहां समष्टि अभिप्राय से सकल वृक्षों को मिला करके
एक संज्ञा प्रयोग हो जाता है वनमिति एक व्यपदेशो, एक व्यवहार हो गया वनम एक वचन के साथ। अथवा जैसा जलानाम व समष्टि विप्रायण, सकल जलों का समष्टि विप्राय से एक नाम हो जाता है जलाशय इति समुद्र। तथा नानात्तर प्रतिभासमानानां जीवगत ज्ञानानां समष्टि विप्रायण तदेकत्व प्रदेशो, इसे नानात्वेन प्रतिभासमान जीवगत जो अनंत अज्ञान है उनका समष्टि विप्राय से एकत्व प्रदेश हो जाता है। ये श्रुति में अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम एक वचन प्रयोग हुआ, मायांत प्रकृति विद्यात एक वचन प्रयोग हो जाता है इत्यादि श्रुति। तरते विद्याम विदताम तैत्र ब्राह्मण है अविद्याम विदताम एक वचन प्रयोग हुआ, अक्षरात परत पर मुंडकोपनिषद 2:1-2 में अक्षरात एक वचन परत अक्षरत भी पर पुरुष है, पर जो अक्षर तत्व है अविद्या है माया है उससे पर पुरुष होता है, अक्षर अर्थ ही किया था तो वहाँ एक वचन अक्षरात एक वचन। ये समष्टि क्या है, यम समष्टि, ये जो अज्ञान समष्टि जो कहा गया अभी वो क्या है, ये कहते यह एक उत्कृष्ट उपाधि है, उत्कृष्ट उपाधि है। उत्कृष्ट उपाधि का मतलब क्या, क्या है उत्कृष्टता उपाधि में, उपाधि उत्कृष्टता यही है वह मोह का आपादन न करे। जीवों की जो उपाधि भूता जो प्रत्येक अज्ञान अलग 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 अज्ञान है जो ये क्या करता है मोह का आपादन कर देता है, और मोह होने पर फिर शोक आएगा इसका पीछे पीछे, तो शोक मोहग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यष्टि अज्ञान मोहापादक है और समष्टि अज्ञान मोह का अनापादक है, अतएव उसको उत्कृष्ट उपाधि कहा जाता है। मोह आपादन करने से निकृष्ट उपाधि है, माने ईश्वर कभी मोहग्रस्त होता है क्या, समष्टि उपाधि वाला कौन है, ईश्वर है, उसके अंदर मोह होगा क्या, उसको हर वक्त पूर्णतया विवेक क्योंकि सर्वज्ञ है सर्ववित्त है उसमें क्या मोह है भाई, सभी पेड़ है सैकड़ों पेड़ है आम का भी है कटहल का भी सब का पेड़ है, इन सबका गुण चला जाएगा वनम कहने से, वन में जाएगा आम का गुण कटहल का गुण अमृत का गुण सब वन में आएगा क्या, शब्द व्यवहार होता है कोई गुण नहीं जाता है। आपके शरीर के अंदर करोड़ों कीड़े घूम रहे कीटाणु है या नहीं, बैक्टीरियास हैं वायरस हैं क्या क्या है दुनिया भर नाम से कहा जाता है, रक्त कोशिकाएं RBC नहीं, वाइट ब्लड WBC कॉर्पसल्स होते हैं नहीं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स वाइट ब्लड कॉर्पसल्स सब अलग अलग जीव हैं, क्या उन जीवों का गुण आप पर असर कर रहा है, जिन सब पर आप अभिमान कर आप समझती हो, ये सब वेष्टियाँ हैं ना अंदर, करोड़ों हैं वेष्टियाँ अंदर में, उन करोड़ों वेष्टियों का अभिमान कौन कर रहे हैं, आप समष्टि कर रहे हैं, क्या उन करोड़ों वेष्टियों के प्रत्येक वेष्टि का गुण आप पर असर करता है कुछ, फिर हम जीवों का कैसे असर कर जाएगा ईश्वर पे, हमारा पाप असर करेगा ईश्वर पे, ये हम पुण्य करें तो ईश्वर पुण्यवान हो जाएगा क्या, हमारे पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं है। इसलिए व्यष्टि समष्टि में केवल अभिमान मात्र हो जाता है समष्टि के द्वारा, और व्यष्टि भाव में जब तक रहोगे आप ईश्वर से बिछुड़ के अपना व्यष्टि भाव मान रहे हो, ये शोक दुख शोक मोह में लग गए, आपका जो व्यष्टि अज्ञान है यही आप में मोह को पैदा कर दिया, इन सकल अज्ञान का समूह रूप जो समष्टि अज्ञान है वो समष्टि अज्ञान का अभिमान करने पर भी उस ईश्वर को मोहग्रस्त नहीं करता, ऐसे मम माया दुरत्या भगवान ने कहा, तो मेरे अधीन रहती मेरी माया है, अहम अविद्या के अधीन है,
हमारे अधीन अविद्या हो जाए, हम भी ईश्वरी हैं, फर्क क्या पड़ा, फिर ईश्वर और जीव में कोई अंतर नहीं है। बस आपके अधीन अविद्या नहीं है, यही आपकी समस्या है और कुछ नहीं है। आप अविद्या के अधीन हैं, इसलिए आपको वेष्टि अज्ञान और निकृष्ट उपाधि, इसका नाम वेष्टि अज्ञान निकृष्ट उपाधि कह दिया। और उसकी जो माया है या अविद्या कुछ भी कहो, वो क्या है, वो परमात्मा के अधीन, ईश्वर के अधीन, माया के अधीन ईश्वर नहीं है, इसलिए उसको उत्कृष्ट उपाधि, मोह का अनापाधक इसलिए कहा गया उत्कृष्ट उपाधि उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। अतएव विशुद्ध सत्व प्रधान है वो, और हम लोगों का कैसा है, मलिन सत्व प्रधान, आगे कहेंगे दृष्टियों का। अब समष्टि का बता रहे, यम समष्टि, ये जो समष्टि है उत्कृष्ट उपाधि होने से, किसका उपाधि है, ईश्वर का, उत्कृष्ट उपाधि होने से विशुद्ध सत्व प्रदान हुआ करती है। एतदुपहितम चैतन्य, आगे ना भी उसी उपाधि से उपहित जो चैतन्य है उसी का नाम आगे कह दिया ईश्वर इति च व्यपदिश्यते। कैसा है वो ये चैतन्य, सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्व आदि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगदगारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते। अलग अलग गुण को लेकर के अलग अलग नाम हो जाता है उसका, सर्वज्ञत्व है ना उसके अंदर, सर्वेश्वरत्व है, सर्वनियंत्रित्व है, इत्यादि गुणों के कारण से उसका नाम अव्यक्त पड़ जाता है। उपैतम चैतन्यम के साथ जुड़ेगा अव्यक्तम, और सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्व के कारण से उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्यामी है, क्रम रखा नहीं है, इतना समझना है। उपैतम चैतन्यम अव्यक्तम, और सर्वनियंत्रित्व जो है वो सर्वअंतर्यामी से जुड़ेगा, ठीक, और सर्वेश्वरत्व जो है वह ईश्वर के साथ जुड़ेगा, और सर्वज्ञत्व जो है जगत कारण के साथ जुड़ेगा। जगत कारण होने से उसको सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ होता है वही जगत कारण हो सकता है, जो अल्पज्ञ वो अपने कुटिया के ही भले कारण बन जाए, सारे जगत कारण थोड़े बनेगा है। आप अपने कुटिया बना लेंगे तो आप उसके, आपको पूरा ज्ञान आपको है, अपने ज्ञान के हिसाब से आपने उसको बनाया है, तो आपको पूरा उसकी चीज जानकारी रहेगी, उतनी ज्ञान आपकी ही सीमित। लेकिन संपूर्ण जगत निर्माता होने के लिए सर्वज्ञ हो ये बिना होगा नहीं। इस सर्वज्ञत्व के कारण से जगत कारणत्व आता है, सर्वेश्वरत्व के कारण से अंदर ईश्वरत्व आ जाता है, और सर्वज्ञत्व हो गया इतने उपैतम चैतन्य के नाम से अव्यक्त हो गया, और सर्वनियंत्रित्व इस गुण के कारण से उसे अंतर्यामी नाम से कहा जाता है। इस तरह से आदि कदि आदि आदि भावी आदि इति च व्यपदिश्यते, ऐसे हम उसका व्यपदेश करते हैं, व्यवहार कर देते हैं। सकल ज्ञान अवभास ये सब कैसा हो गया, उसके अंदर कहते हैं सकल अज्ञानों का, सकल जीवों की उपाधिभूत जितने विष्टि अज्ञान है उन सकल विष्टि अज्ञानों का भी वो अवभासक है, प्रकाशक होने के कारण। अरे जीवात्मा बेचारा ऐसा है, अपनी अज्ञान का भी सम्यक प्रकाशन कर नहीं पाता है, स्वज्ञान का भी प्रकाशक हो जाए तो काम बन जाए, इतने स्वज्ञान जो अति विरला नीतिज्ञ नियतिज्ञ ब्रह्मज्ञों भी शास्त्रज्ञ नहीं धर्मज्ञों भी शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञों भी बहव स्वज्ञानज्ञों अति विरल। आप नीतिज्ञ हो सकते हैं, नियतिज्ञ हो सकते हैं, धर्मज्ञ हो सकते हैं, शास्त्रज्ञ हो सकते हैं, ब्रह्मज्ञ भी हो सकते हैं, लेकिन अपने अज्ञान को जानने वाले नहीं होते, विरल है, बहुत कम लोग, तो मुक्त है वही। इसलिए कहते कि देखो कि इसे सर्वकल सकल अज्ञान का अवभाषक है, इसमें क्या प्रमाण है, या सर्वज्ञ सर्वेत्ति श्रुतः है, या सर्वज्ञ सर्वेत्ति श्रुति मुंडकोपनिषद 1:1:9 वो सर्वज्ञ है, वह सर्वित्य सामान्य सबको जानता है,
और विशेष रूपेण भी सबको जानता है वो ईश्वर सीयम समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोश आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोश हो सर्व उपरमत्वात् सुषुप्तिर। ईश्वर का यह जो समष्टि का ही अनेक नाम हो गया, कारण शरीर कह दिया उसको, उसी को आनंदमय कोश नाम से कहते हैं हम, उसको सुषुप्ति नाम से भी कहते हैं। समष्टि में भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत अभिमानी विराट, स्वप्न का अभिमानी हिरण्यगर्भ, सुषुप्ति का अभिमानी ईश्वर। वृष्टि में जैसा विश्व, तेजस प्राग, और तीनों से परे कौन है? तुरीय। वृष्टि में तुरीय कह दिया जाता है, और समष्टि में शुद्ध ब्रह्म, तीनों से परे है ना, विश्व तेजस प्राग तुरीय विराट, या वैश्वानर कहते विराट कहते एक ही चीज है, हिरण्यगर्भ ईश्वर और शुद्ध ब्रह्म, जिसमें तीनों कल्पित है। एक चतुष्कोटिक कल्पना विष्टि समिष्टि का माना गया। शुद्ध ब्रह्म में पहली कल्पना हुई ईश्वर समिष्टि में, और उस ईश्वरोपाधिक ब्रह्म में हिरण्यगर्भ सुख शरीर के अभिमान होकर सुख शरीर का कल्पना हुआ तो बन गया वहां पर हिरण्यगर्भ, स्थूल शरीर बन गया जगत विराट नाम से हो गया। वही चीज का औपाधिक भेद से नाम भेद होते जाता है। वही समझा रहे ईश्वर से यम समष्टि, ईश्वर की यह जो समष्टि है अखिल कारण होने से उसको हम कारण शरीर नाम से कह देते हैं, और आनंद प्रचुर होने से कोश के समान आच्छादक होने के कारण से उसको कह दिया गया आनंदमय कोश कह देते हैं हम। और सकल सृष्टि स्थिति विराट हिरण्यगर्भ इनका विलय हो जाने से उपराम होने से वह समष्टि सुषुप्ति कहा जाएगा उसको। अतएव इसलिए स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लयस्थानमिति च उच्यते। इसे स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल कौन है? विराट। सूक्ष्म कौन है? हिरण्यगर्भ। इन दोनों का लयस्थान होने से उसको सुषुप्ति करके भी कहा जाता है सुषुप्ति रीति। अतएव उच्यते के साथ अन्वय होगा। थोड़ी सी टीका में 3-5 पंक्ति 9वें पृष्ठ में जहाँ चल रहा था शुरू जहाँ की है वहीं से कहते हैं कि देखो नाना जीवगत निकृष्ट अंतकरण व्यष्टि उपाध्य अपेक्षया समष्टि उपाध्य रस विलक्षण दर्शयति। नाना जीवगत निकृष्ट जो अंतकरण को बनाने वाला उपाधि विशेष जो अनेक ज्ञान है उसकी अपेक्षा से समष्टि के उपाधि पूता जो अज्ञान है वो विलक्षण है। इस बात को दर्शाने के लिए यम समष्टि से आरंभ हुआ। विगत रागादि दोष सकल कार्य प्रपंच से जगत कारणभूत से अज्ञान से समष्टि भूत उत्कृष्ट उपाधि विशुद्ध सत्व प्राधान्य भाव। विशुद्ध सत्व प्रधान क्यों है वो और उत्कृष्ट उपाधि के नाम से क्यों कहा गया? क्योंकि विगत रागादि दोष सकल कार्य प्रपंचस्य संपूर्ण कार्य प्रपंच जो कि राग द्वेषा से युक्त है उससे रहित हो जाने से और जगत कारणभूतस्य अज्ञानस्य जगत कारणभूत अज्ञान होने से समष्टिभूत जो भूता जो अज्ञान है अविद्या है उसको हम क्या कहते हैं? उत्कृष्टोपाधि ही उत्कृष्टोपाधि नाम से कहा गया। अतएव विशुद्ध सत्व प्राधान्य भाव एत समष्टि उपाधि द्वारेण ईश्वरी चैतन्य लक्ष्यति। इस समष्टि उपाधि के द्वारा जो तदुपहित कौन है? ईश्वर चैतन्य लक्षित कर दिया, इसे कहते हैं तदुपहित चैतन्य ईश्वर। कहते हैं समष्टि अज्ञानोपलक्षित चैतन्य सर्वस्य चराचरात्मक प्रपंच से साक्षी। ये जो समष्टि अज्ञानोपलक्षित जो चैतन्य ईश्वर जिसको नाम से कह दिया वह कैसा है? सर्वस्य चराचरात्मक प्रपंचस्य चराचरात्मक समस्त प्रपंच का साक्षित्वेन साक्षी होने से सर्वज्ञ इति उच्यते। उसको सर्वज्ञ नाम से कह दिया। सर्वेषां जीवानां कर्मानुरूप
ईप्सित फलदातृत्व न ईश्वरित्व चत्ते, जीवों को अपने कर्मानुरूप फल को प्रदान करने वाला होने के कारण उसको ईश्वर शब्द से कह दिया। तथा सर्वेशां जीवानां अंतर्त्य स्थित्व बुद्धि नियामकत्व न अंतर्यामित्व चत्ते, इस नियामक होने उसको अंतर्यामी नाम से कह दिया। और सर्व शिक्षा राजरात प्रपंचस्य विवर्त अधिष्ठानत्व न, विवर्त अधिष्ठान होने से जग कारण कभी उसका व्यपदेश करके कारण शरीर नाम से भी कह दिया जाता है, समष्टि कारण शरीर कह दिया उसको। उस उक्तार्थ में युक्तियां पर आगे दे दी युक्ति माँ सकल इत्यादि, उसका दृष्टांत में समझा, यथा वनस्य व्यष्टिभिप्रायेण वृक्षाः इत्यनेकत्व उपदेश हो। अब अनेक जीव के लिए आ रहे, जिस प्रकार से वन का व्यष्टिभिप्राय से विचार करेंगे तो क्या होगा, वनस्य व्यष्टिभिप्रायेण वृक्षाः, ऐसे बहुवचन हो गया। वनम एक वचन था समष्टिभिप्राय से, अब प्रत्येक वृक्ष का व्यष्टिभिप्राय से विचार करूंगा तो क्या कहूंगा, वृक्षाः। जैसे यहाँ शरीर में भी अनेक अवयवों को लेकर कहूंगा अवयवाः, और इन सकल अवयवों से विशिष्ट एकत्व ग्रहण करूंगा उसको अवयवी कहा जाता है, शरीरी। शरीर में शरीरम एक वचन हो गया, और हस्तादय अनेक वचन बहुवचन हो जाता है, इसी वजह सभी में समझना है। ऐसे ही इति अनेकत्व उपदेश यथा वा, अथवा इसी प्रकार जो समुद्र एक वचन था जलाशयस्य समुद्रस्य विष्टिभिप्रायेण, विष्टिभिप्राय से क्या कहा जाएगा उसको, जलानीति, जलम जले जलानी, बहुवचन हो जाता है विष्टिभिप्राय से। अनेकत्व उपदेश हो इति यथा तथा यथा, दो दृष्टांत दोनों दृष्टांत में घटा दिया। अब करे तथा अज्ञान से व्यष्टिभिप्रायेण तद अनेकत्व उपदेश हो, अज्ञान के भी व्यष्टि दृष्टिकोण से अनेकत्व व्यवहार हो जाता है। तब श्रुति कहती है इंद्रो माया भी पुररूपयते, माया भी बहुवचन का प्रयोग हुआ, पुररूपयते इत्यादि श्रुते है। श्रुति ऋग्वेद 6:47-18 क्रमांक नीचे दिया है टिप्पण में, इत्यादि श्रुते है। तत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टित्व उपदेशः, इसे व्यस्त का भी व्यापक है और समस्त को भी व्याप्त कर लेता है अज्ञान। व्यस्त और समस्त सबका व्यापी होने से उसका व्यष्टि समष्टि नाम व्यवहार मात्र होता है, नहीं तो उसका वास्तविक नाम केवल अज्ञान है। बस अज्ञान कहो, अविद्या कहो, माया कहो, एक ही नाम है। नहीं वह व्यष्टि व्यस्त उपाधियों से जुड़ने से उसका भी अधिष्ठान कारण होने से उसको व्यष्टि नाम पड़ गया, और समस्त को व्याप्त कर लेने से समष्टि नाम व्यवहार हो गया। उसमें समष्टि और बता दिए समष्टि, अब अतरियम व्यष्टिर, ये जो व्यष्टि कैसी है, निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना, ठीक है। उनमें क्या कहा था, उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधान, और अब कह रहे हैं मलिन निकृष्ट उपायतया मलिन सत्व प्रधान। निकृष्ट उपाधि होने का मतलब यही है, यह अज्ञान आप पर मोह से आच्छादित कर दिया, मोहापादन कर देना, यही इसकी निकृष्टता है। किसी भी चीज के निकृष्ट उत्कृष्ट व्यवहार जो होता है वह केवल उसके कार्य को देख करके होता है। मैं आपके उत्कृष्ट संत क्यों कहेंगे कोई, तो आपके व्यवहार देखकर कहेंगे, वे तो शांत स्वभाव में बैठे रहते हैं, आत्मचिंतन में लगे हुए हैं, तो आप उत्कृष्ट संत तो कहेंगे, और पंचवेद प्रयोग कर रहे हैं, नागादि जैसे बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो क्या कहेंगे, बेकार महात्मा निकृष्ट कर दे। अतएव वास्तव में वस्तु में निकृष्ट उत्कृष्टता नहीं है, इसलिए अज्ञान निकृष्ट न उत्कृष्ट है, न मलिन सत्व न शुद्ध सत्व, केवल सत्व है। लेकिन मोह आपादन और मोह का अनापादन, मोह आपादन कर दिया जिसे शोक आदि से ग्रस्त होकर संसारी हो जाता है जीव,
तब उसका नाम निकृष्ट उपाधि हो जाता है। और मोह का अनापादक होते हुए इस सृष्टि पर जो है नियमन करने वाला जब हो जाते हो तब उसका नाम उत्कृष्ट उपाधि का। इसलिए कहते निकृष्ट उपायतया मलिन सत्व प्रधाना एतद उपायतम चैतन्यम एतारश निकृष्ट उपाधि मलिन सत्व प्रधान है वह उससे उपहित जो चैतन्य है वह कैसा होता है। जैसे उपहित चैतन्य वहां कैसे था, सर्वज्ञ कहा था ना, सर्वज्ञत्वादि का। और यहां क्या है, ये अल्पज्ञत्व। ईश्वरत्व था यह अनिश्वरत्व, और सर्व नियंत्रित्व था यहां पर स्वनियंत्रित्व भी नहीं है, वो तो सर्वनियंता था ना, और आप स्वनियंता भी नहीं हो पा रहे हैं। लोग कह रहे अपने आप को खो गया, अपने आप खो गया व्यवहार होता है। कब बोलते ये, जब बाद में गुस्सा आ जाए, मैंने आप अपने नियंत्रण में है ही, कहाँ सभी का नियंत्रण करोगे। जो खुद के नियंत्रित्व नहीं है आप में तो सर्व नियंत्रित्व कैसे होगा। एक बार ऐसे ही किसी ने कहा अधिकारी को, दोष दे रहे थे अधिकारी बेकार है, नियंत्रण नहीं करता, कैसे पुलिस अधिकारी है। तो पुलिस अधिकारी के बात पता चला तो वो नेताजी के पास पहुंच गए, जो नेताजी से बोल रहे। उन्होंने कहा पुलिस अधिकारी ने, नेताजी बताइए आपका बेटा आपका नियंत्रण में है, आपकी बेटी आपके नियंत्रण में है। जब आपके अपने बेटा बेटी अपने नियंत्रण में नहीं है, मैं अपने क्षेत्र के सारे बेटे बेटियों को कहाँ से नियंत्रण में कर लूँगा। तो नेताजी आप तो आप नहीं कर पा रहे, हमने खुद की औलाद को हमें करे, दुनिया के सारे औलाद को तुम कंट्रोल करो। इसे पहले स्वनियंत्रित्व ना जरूरी है, तभी आपका अनुशासन आपके संतान भी मानेंगे, नहीं तो कोई नहीं मानेगा। हमारे एक वकील साहब थे, पढ़ते थे, बार बार कहते थे देख हमको सबसे बड़ा दुख एक ही है, वो क्या है भाई बताओ। तो उन्हें कहा हमारा दोनों बेटों में से एक को भी मैं वकील नहीं बना सकता। आपके मित्र है एक तो इंजीनियर हो गया, पता नहीं कुछ हो, एक कुछ और कुछ हो गया, वकील नहीं बना। उन्हें बहुत समझाया, बहुत कोशिश किया, उन्होंने एक तो बन जाए, एक भी नहीं सुने। यदि खुद दूसरों को सुनते होते शायद उनको उनके बच्चे भी सुन लेते। खुद अपने चौधराहट में रहे, किसी के नहीं सुने होंगे, तभी तो नतीजा भुगतते। इसलिए आप चाहते हैं हम हमारी बात दूसरा माने, तो पहले आप जो है खुद दूसरों का मानने के लिए तैयार नहीं। कि वेद ने सीधे कि ये कानून सीधे सीधे बता दिए मनुष्य के उद्धार के लिए, आत्मन प्रतिकूलानी परेशान मां समाचरित। आप चाहते हैं आपको कोई गाली ना दे, फिर आप किसी को गाली ना देना शुरू करो, अपने शुरू करो। आप किसी को गाली मत दो तो कोई आपको गाली दे नहीं सकता। आपके सामने आते उसका मुंह ठंडा पड़ जाए, चाहे जितना गुस्से आवे और जितने पंचमेद प्रयोग करने वाला होगा आपके सामने मुंह नहीं खोल पाएगा। आप खुद दिए जा रहे खुद पे और दूसरों को, पत्नी को उल्टी सीधे गाली देता, बच्चों को गाली देके बातें करेगा, और चाहे बच्चा आपसे गाली देके बात, कल तो बच्चा भी बोलेगा, छोटा है तो बेचारा मजबूरी चुप रहता क्यों, तो चाटा मार देगा, लेकिन बड़ा होने के बाद पूरी बदला लेता है वो। बाप को भी कम नहीं बोलेगा गालियां उनसे, और कई तो लात भी मार देंगे, बाहर कर देते बच्चे, ये तुमने किया ना पहले, अब उसका नतीजा भुगतो। इसलिए नियंत्रण करने के तरीके होते हैं, युक्ति से होता है, उपाय से, प्रेम से होता है। प्रेम से किसी को भी वश में कर सकते, पशु भी वश में आते प्यार से।
कुत्ता तो भौंकते रहेगा, एक बिस्कुट फेंक, थोड़ा शांत हो जाए, फिर थोड़ा हाथ फेर दो, फिर आगे पीछे ही पूंछ हिलाए घूमते फिरते रहेगा। ये आप उसको डंडे दिखाओ और ज्यादा भौंके दो, लेकिन मर नहीं आ रहा। इसलिए व्यवहार में आत्मना प्रतिकूलानी परेशान मास वैदिक मत ऋग्वेद का है। इसलिए कहते हैं आप में अच्युत्व आया है, अनिश्रत्व आया है, अनियंत्रित्व है आप में इत्यादि गुण गम, ऐसे आप जीवात्मा का नाम रख दिया गया है। इसमें क्या नाम रखा था? ईश्वर। यह नाम आपका है प्राज्ञा। एक अज्ञान वो कैसा था? सकल अज्ञान अवभाषक था। और आप कैसे हैं? आपके अपने एक अज्ञान के वास्तव में अवभाषकत्वात्, आप अपने अज्ञान के अवभाषक हैं, प्रकाशक हैं। तभी आप कहते हो हम अज्ञ हो, मैं अज्ञ हूं, ऐसा बोलते वक्त आप अपने अज्ञान को प्रकाशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अज्ञान के अधीन रहते हैं। आप अपने अज्ञान को जान रहे तभी तो बोल रहे हैं हम अज्ञ। जैसे हम सुखी कब बोलेगा? जब सुखानुभव करता है तब ना। हम दुखी कब बोलेगा? जब दुखानुभव करेगा। जरा हम अज्ञ कब बोलेगा? वो जब अज्ञान को अनुभव कर। अतः अज्ञान का प्रकाशक आप हैं, लेकिन वो प्रकाशकत्व तो नित्य स्थापित हो जाए तो आपका अज्ञान आपके अधीन हो जाएगा। यद किंचित क्षण के लिए अपने अज्ञान को स्वीकार करते हुए तद प्रकाशन करता हुआ अहम अज्ञ शब्द प्रयोग कर लेते हो, लेकिन सच्चाई से उस अज्ञत्व को आप स्वीकार नहीं करते। अपने आप फिर साबित करने की कोशिश, मैं भी कुछ जानता हूं। एक महात्मा आते थे पढ़ने में, बस यही उनका था, मैं भी कुछ जानता हूँ, ये दिखाना है लोगों के सामने, कुछ न कुछ बट 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 बोलता शुरू कर देते। हाँ तो जरूरत है ही नहीं, प्रश्न पूछो तो स्वागत है, पर अनावश्यक बीच में टीका टिप्पण करो, व्याख्या करो, तो स्वाध्याय में स्वीकार है क्या? ये उनको दिखाना है मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ चुका हूँ, इसे कुछ रुच बोलते। कईयों ने शिकायत के दांत में एक दिन जबरदस्त उनको हमने इंजेक्शन दे दिया, कोविड इंजेक्शन वैक्सीन, और 2 गज दूरी नहीं, अब 2000 गज दूरी हो गई अपने आप। तो इसीलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, दूसरों के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। प्रश्न तो सबके लिए अनुकूल होता है कि सभी जिज्ञासु बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो है स्व अज्ञान का, एक अज्ञान का अवभाषक होता है, जबकि ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ सकल अज्ञान का अवभाषक। ये दोनों में परस्पर फर्क करते जा रहे। अस्य प्राच्यत्वम अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वा अस्यापि इयम् अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोश आच्छादकत्वात् च आनमय कोश सर्वपरामत्वात् सुषुप्ति अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थान इति च उच्यते। जो जो ईश्वर में घटाया वो सब जीव में भी घटा रहा है, वृष्टि अज्ञान को लेकर। अस्य प्राच्यत्वम अस्पष्ट उपाधितया, देखो कभी कभी अज्ञान तो देख रहे हैं, हम अज्ञ बोल रहे हैं लेकिन स्पष्ट नहीं। अस्पष्ट उपाधितया, मलिन सत्व होने के नाते अस्पष्ट उपाधि है, विशुद्ध सत्व होगा तो स्पष्ट उपाधि वाला हो जाएगा। जैसे गंगा जल देखिए, इस समय जाइए देखाइए गंगा जी, अंदर क्या दिखेगा आपको? कुछ कारण क्या है? मलिन जल है। 4 महीने बाद जाइए, अंदर क्या क्या पड़ा सब आराम से दिख, हर चीज दिखाई देता है। क्यों? विशुद्ध जल है। विशुद्ध से उपाधि की ही विशेषता है, स्वंतत्वाति सब कुछ को जान पाता है। और मलिन सत्व का यही समस्या है, स्वंतत्वाति कुछ भी उसको ज्ञान नहीं होता।
इसे कहते हैं प्राज्ञत्व। इसका इसलिए ही है क्योंकि अस्पष्ट उपाधि वाला होने से अनधि प्रकाशकत्व अधिक का प्रकाशन नहीं कर पाता है, बहुत ही किंचित प्रकाशन करने वाला होता है। स्वसन्निहित स्व इंद्रिय सामर्थ्य अनुसारेण ये किंचित मात्र प्रकाशक होता है। इसलिए लोग योगाभ्यासी बनते हैं और योग के अनेक रुद्धि सिद्धियां प्राप्त करके दूरस्थ का भी प्राथमिक ज्ञान के सामर्थ्य प्राप्त करके इस चक्षु से ऊपर उठ करके दिव्य चक्षु दिव्य श्रोत्र आदि को प्राप्त करके व्यवहितों का भी दूरस्थ का भी विप्रकृष्ट का भी विपरोक्ष का भी सब ज्ञान कर लेता है, लेकिन फिर भी वह भी सर्वज्ञ नहीं हो पाता है। तो विभूति मैंने सिद्धियों के आधार पर भले कर लेता है लेकिन तब भी वह सकल उपाधियों का ज्ञाता सकल अज्ञान का ज्ञाता नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं अनति प्रकाशकत्वात् अस्यापि इयम् अहंकारादि कारणत्वात्। इस जीव का भी यह जो उपाधिभूत ज्ञान अविद्या है वह व्यष्टि क्या है अहंकारादियों का कारण होने से कारण शरीरम कारण शरीर कह दिया उसको। ईश्वर में क्या है संपूर्ण जगत का कारण होने से उसके अंदर था बैठा हुआ था वो, वहां पर कैसे बैठा हुआ रहता है बीज रूपेण संस्कार रूपेण रहता है। यदि आप जागृत और स्वप्न में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं कि बुद्ध सत्ता स्वामी तत्व संपन्न भवती, उसके बावजूद क्या होता है यहाँ तक संस्कार शेष रह जाता है। असंस्कार शेष युक्त होकर के आप स्थित हैं, अतः प्रारब्ध कर्म का सुषुप्ति कालीन निद्राजन सुख के भोग काल क्षय होने पर वापस जागृत में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं अहंकार आदि के कारण मने संस्कार अवशेष रूपेण कारण समझना संस्कार अवशेषेण कारणत्वात् कारण शरीरम कहा जाता है। और आनंद प्रचुरत्वात् कैवल्योपनिषद साहब कहते हैं सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुखम उपैति सुख रूपमेति ऐसा है उनका पाठ। सुषुप्ति काले सकले विलीने तम अभिभूत सुख रूपमेति कहते हैं सुषुप्ति काल में सकल मैंने जागृत स्वप्न का विलीन होने पर भी अज्ञान से विभूत हुआ होने पर यह सुख स्वरूप का अनुभव करता है सुख रूपमेति। अतएव कहते आनंद प्रचुरत्वा कोशवत आच्छादकत्वाच्च कोश के समान आच्छादक होने के कारण से इसका नाम आनंदमय कोश है वेष्टिकानंदमय कोश है। और सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति जागृत और स्वप्न इन दोनों को उपरम होने से वह सुषुप्ति है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल क्या है विश्व, सूक्ष्म क्या है तेजस, वेष्टि का स्थूल का नाम विश्व होता है समष्टि और सूक्ष्म का नाम वृष्टि के सूक्ष्म का नाम तेजस होता है। वृष्टि और तेजस इन दोनों का विश्व और तेजस वृष्टिगत इन दोनों शरीरों का प्रपंच का विलय हो जाना वो जो विस्तार अनुभव हो रहा था उसके विलय हो जाना तार विलय स्थान होने से भी इसका नाम सुषुप्ति पड़ गया है। इति च उच्यते तथा च उत्तम नीचे श्लोकों के देखिए दे रहे वाक्य सुधा आचार्य शंकर की है वहां से लये फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्य सुस्तरंगके तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्ते ते यथा पुरा। जल था शांत था कुछ भी माने था, थोड़ी सी हवा के झोंक लगने से उस लहर उठी, उन लहरों के आपस में टकराने से बुद्ध फेन हो गए, बुद्ध बुद्ध फेन हो गए। और बुद्ध फेन आदि का लय होने पर तब क्या बचता है तद्धर्मा द्रवाद्या सुतरंग के द्रव होकर के वह तरंग रूपेण रह जाता है। बुद्ध फेन लय हुआ कहाँ पे तरंगों में, और तरंग भी जब शांत हो जाए विलय हो जाए तब क्या बचता है वापस जल, शांत जल ही दिखाई देता है। उसी प्रकार आपके जागृत बुद्ध बुद्ध फेन के समान है
और स्वप्न तरंगों के समान है, सुषुप्ति शांत जल के समान है। व्यावहारिक जीवस्य लय स्यात् प्रातिभासिके तल्लये सच्चिदानंदा पर्यवस्यन्ति साक्षिणी। व्यावहारिक जीवस्य लय स्यात् प्रातिभासिके, व्यावहारिक ये जो जीव का जागृत अवस्था है ये क्या होता है, प्रातिभासिक स्वाप्निक जो जगत है उसमें विलय हो जाता है। और वो स्वाप्निक जगत कहाँ जाता है, तल्लये सच्चिदानंदा परिवश्यन्ति साक्षिणी, साक्षी में विलय हो जाने से सच्चिदानंद रूप में वह परिवर्षित हो जाता है।